ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन सेट 16 एंड क्वेश्चन सेट 18 की, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है, और आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करके रख लिए होंगे। अगर नहीं भी रखे हैं तो सॉल्व करने में कितना समय लगता है? दो तीन, मुश्किल से 2 या 3 घंटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और मेरे साथ ही साथ मेरे वीडियोस को देखते भी रहेंगे और उसके हिसाब से उसको सॉल्व भी करते रहेंगे। तो आज का टास्क है हमारा दो क्वेश्चन को कम्प्लीट करना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। तो हमसे ये क्या कह रहा है कि हमें कोई लिस्ट दी जाएगी और हमें ये बताया जाएगा उसको कितनी बार रोटेट करना है। तो जैसे कि हमारी ये इस समय पर इनपुट लिस्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये मुझसे कह रहा है कि इसको 2 बार रोटेट करो। तो मुझे रोटेट कैसे करना है वो यहाँ पे मुझे बताया गया है कि जब आप उसको रोटेट करेंगे तो आखिर के एलिमेंट नहीं उठ के इधर साइड आ जाते हैं, फिर वो आखिर के एलिमेंट उठ के पीछे आ जाएगा। तो ऐसे मुझे इस साइड से रोटेट करना है। तो वही मुझे यहाँ पे बताया गया है कि अगर मुझे इसको 2 बार रोटेट करना है तो क्या क्या, एक बार 6 उठ के इधर से उठ के आगे इधर आ जाएगा कोने में, फिर 5 उठ के कोने में आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारी लिस्ट कैसी बन जाएगी, 5 6 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारी लिस्ट क्या हुई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 5 6 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 में रहेगी, इसमें हमें 4 बार रोटेट करना है। तो इसमें एक बार 6 गया, फिर 5 गया, फिर 4 गया, फिर 3 गया। तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 4 5 6 1 2। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 और 1 2, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो हमें लिस्ट को क्या करना है, रोटेट करना है और इसके हिसाब से हमें एक लॉजिक लिखना है। हमसे क्या बता रहा है कि जो भी हमारा इनपुट होगा, जो हमारा नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो हो सकते हैं ग्रेटर होंगे 0 से बड़े हो सकते हैं और कम होंगे हमारी लिस्ट की लेंथ से। ऐसा नहीं कि वो हमसे कहते हैं कि 10 बार रोटेट करो, ऐसा नहीं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या छिपा हुआ है मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ। देखो 1 2 3 4 5 6 2 बार रोटेट करना है। 2 बार रोटेट करने का मतलब कि आखिरी के 2 एलिमेंट उठा के पहले ले जाओ, बाकी एलिमेंट कोने में ले जाओ। मतलब यहाँ पे 2 बॉल है तो 5 6 को उठाओ, ठीक है, इसको पकड़े रहना, और 1 2 3 4 को उठा के इधर से उठा के यहाँ इधर रख दो, बस खत्म। अब यहाँ पे 4 बार रोटेट करना है तो हो गया क्या, 3 4 5 6 को पकड़े रहो, 1 2 को उठा के आखिर में जाके जोड़ दो, बस यही तो करना है। तो हमें यही चीज़ जो है इंप्लीमेंट करनी है कोडिंग में। तो इसको इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही आसान दिख जाता है कि आप सिर्फ अपनी लिस्ट की स्लाइसिंग करके उससे जो है जोड़ सकते हैं। इनपुट लिस्ट हमारी 1 2 3 4 5 6 है ना, मैंने रोटेट लिस्ट नाम के फंक्शन बनाए जिसमें हमने अपनी जो इनपुट लिस्ट ऐसे भेज दी, और कॉमा 4 की 4 बार रोटेट करना है, ठीक है। हम लोग इधर आ जाते हैं, कर क्या रहे हैं कि आउटपुट लिस्ट हमारी क्या होगी, जो हमारी इनपुट लिस्ट है उसमें से हमें पहले आखिर के जैसे 4 एलिमेंट हमारे, 4 इसमें है कि 4 बार रोटेट करना है, तो आखिर के 4 एलिमेंट जो है हमें उनको पकड़ के रखना है। तो हम लोग उसको पकड़ेंगे कैसे, तो उसको लिस्ट स्लाइसिंग की मदद से पकड़ लूँ। जैसे इनपुट लिस्ट में माइनस फोर इंडेक्स मतलब -1 -2 -3 -4, राइट से लेफ्ट साइड पे जो -4 इंडेक्स मतलब 4 एलिमेंट आ गए, इनको पकड़ लूँ, इनको मैंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। इसके बाद अब इसके पीछे के जितने ही बचे उनको उठा के रखना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट लिस्ट में क्या और दोबारा स्लाइसिंग करनी मुझे बचे हुए एलिमेंट के, तो क्या करूँगा 0 से लेके -4 के पहले तक ना, तो भाई मैंने कहा है 0 से लेके, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 है, -n तक, -n का मतलब क्या, -4 तक। तो 0 से लेके -4 तक के एलिमेंट उठाओ, उनको उठा के आखिर में जाके जोड़ दो। तो मैंने लिस्ट का कॉन्कैटेनेशन कर दिया, ऐसे मतलब मैंने स्लाइसिंग का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जरा सा कोड था, है ना, बढ़िया। तो यही चीज़ जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे लॉजिक सोचें। अब इसमें कुछ लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि उससे लूप लगा के इतनी वैल्यूज को उठा के अलग रख दें, फिर दूसरी वैल्यूज को उठा के अलग रख दें, फिर बाद में उनको जोड़ दें। तो कई लोग के अपने अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, मगर मुझे ये वाला लॉजिक सबसे बेस्ट लगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या कहता है कि जो कोई डिटेल है हमारे ट्रेन की, हमें क्या दिया गया, ट्रेन नंबर दी गई 16453, ठीक है, ट्रेन नेम क्या, प्रशांति एक्सप्रेस 25627 ए कर्नाटका एक्सप्रेस। तो अलग अलग ट्रेन के नंबर हैं, उनके करस्पॉन्डिंग उनके नाम हैं। हमें बताया गया प्रशांति एक्सप्रेस जो है SBC से चलती है और BBS में जाके उतरती है, ठीक है। कब तक कब चलती है, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, रनिंग डेज हमें दिए गए हैं, ठीक है। उनकी पर्टिकुलर कॉस्ट दी गई 600 रुपये टिकट, इसका 1600 टिकट है। वैसे हमें पर्टिकुलर डिटेल दी गई, ट्रेन नंबर दिया है, ट्रेन का नाम दिया है, वो कहाँ चलती, कहाँ से शुरुआत होती, फ्रॉम दिया गया है, टू दिया गया है कहाँ तक चलेगी, रनिंग डेज दिए गए कब किन किन दिन चलने वाली है, और कॉस्ट दी गई टिकट का कितना पैसा लगता है। मुझसे क्या कह रहा है कि हमें डिक्शनरी दी गई होगी, जैसे कि किसी एक ट्रेन की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे दी जा सकती, ट्रेन नंबर ये होगा, नेम ये होगा, फ्रॉम ये, सोर्स ये, तो मतलब की वैल्यू का पेयर करके डिक्शनरी एक हमें दी जाएगी। ऐसे हमारे पास 4 डिक्शनरी होंगी, देखो एक डिक्शनरी होगी इसके लिए प्रशांति के लिए, दूसरी डिक्शनरी कर्नाटका एक्सप्रेस, तीसरी त्रिवंद्रम SF एक्सप्रेस, अच्छा, और चौथी ओखा हावड़ा एक्सप्रेस। तो चारों के लिए अलग डिक्शनरी, उन 4 डिक्शनरी को एक लिस्ट में रख दिया जाएगा।
तो मुझसे क्या कह रहा है कि एक गेट ट्रेन नेम नाम का फंक्शन होगा, तो मुझे कहना क्या है कि अगर मुझे ट्रेन का नंबर दिया होगा और मुझे ट्रेन का नाम बताना है, मतलब अगर मुझसे, सॉरी यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे आते हैं, अगर मुझसे उसने बोला 25627, अगर इसने ये ट्रेन नंबर दिया तो मुझे बताना पड़ेगा कर्नाटका एक्सप्रेस है, ठीक है। फिर और हमें क्या करना है, तो भाई यहाँ पे हमें बोला गया है कि सबसे पहले गेट ट्रेन नेम नाम का फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ट्रेन नंबर और रिटर्न करेगा एक ऐसी डिक्शनरी जिसमें उस ट्रेन की पूरी डिटेल होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एक गेट ट्रेन फॉर डे एक ये नाम का फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, हमसे इनपुट लेगा डे ऑफ रन, मतलब किस दिन वो चलनी है, फिर हमें यहाँ पे फंक्शन से डे को एक्सेप्ट करना और बताना है कि कौन कौन दिन जो है वो हमारी ट्रेन चलती है, ठीक है। फिर गेट टोटल फेयर, फेयर मतलब किराया होता है, तो टोटल फेयर नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें ट्रेन नंबर हमें दे देगा और बोल देगा पैसेंजर कितने हैं, ठीक है। अब उसमें दो टाइप के पैसेंजर हो सक जा सकती है, एक होता है स्लीपर कोच, एक होता है एसी कोच, ठीक है। तो वो मुझे इनपुट दे देगा, तो ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा ट्रेन का नंबर और उस करस्पॉन्डिंग उसमें देखेगा स्लीपर का उसमें कितना रुपया लगता है और एसी का कितना रुपया लगता है, उसके हिसाब से हमें पूरा अमाउंट बता देगा कितना पे करना है। तो इनपुट हमारा कैसा होगा, ट्रेन नंबर 25627, डे ऑफ रन दिया डब्ल्यू मतलब वेंसडे, और पैसेंजर डिक्शनरी दी है स्लीपर में 10 बंदे चाहिए हमें और एसी में 10 बंदे जाएंगे मेरे, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो हमें नंबर दिया गया है तो आ जाएगा कर्नाटका एक्सप्रेस, हमारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी ट्रेनों का नंबर जो है वो उस वेडनेसडे के दिन चलती हैं, और हमें फेयर मिल जाएगा 41,000 रुपये जो है उतना हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको भी देखा जाए तो आप सोच रहे हो ये क्या इतना बड़ा सा दिया गया, तो देखने बड़ा लग रहा, आता आपको सब है। देखो ट्रेन की लिस्ट दी गई है, इसके अंदर चार ट्रैक की ट्रेनें थी, तो एक लिस्ट के अंदर चार डिक्शनरी है, पहली डिक्शनरी यहाँ से चालू होकर यहाँ पे खत्म, दूसरी यहाँ से यहाँ, तीसरी यहाँ से यहाँ और चौथी यहाँ से यहाँ, सिंपल, ठीक है। पहली डिक्शनरी हमें दी गई कि ट्रेन नंबर हमारी की है, इसका हमें वैल्यू क्या है 16453, इसके सामने नेम क्या है प्रशांति एक्सप्रेस, फ्रॉम क्या है SBC, टू क्या है DBS, डे ऑफ रन क्या है मंडे वेडनेसडे थर्सडे, स्लीपर फेयर कितना है 600 और एसी फेयर कितना है 987, ऐसी सारी चार बाकी चारों ट्रेनों की डिटेल हमें दी गई है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे कि गेट ट्रेन नेम, हम लोग ट्रेन का नाम कैसे ले सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, तो हमें ट्रेन का नंबर इनपुट में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे अपनी ट्रेन वाली लिस्ट में चलेंगे, ट्रेन वाली लिस्ट मतलब इन पहले जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिस्ट में चार एलिमेंट है, मतलब चार डिक्शनरी है, इन पे चलेंगे, ठीक है। फॉर आई, अब एक आई की वैल्यू का मतलब क्या है, एक डिक्शनरी, अब हम उस पर चेक करेंगे कि ट्रेन नंबर क्या इक्वल है मेरे ट्रेन नंबर जो हमें इनपुट मिला है, तो हम चेक करेंगे कि क्या इसका ट्रेन नंबर मतलब ये की के सामने जो भी वैल्यू है 16453, क्या ये इक्वल है मेरे ट्रेन नंबर के जो यूजर ढूंढना चाहता है, अगर ऐसा है तो हम ट्रेन का नाम रिटर्न कर देंगे उस डिक्शनरी का नेम, ठीक है। यहाँ पे आई का मतलब डी है डिक्शनरी, और अगर ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, इनवैलिड ट्रेन नंबर, कैसा ट्रेन नंबर तो भाई है ही नहीं। फिर आता है हमारा दूसरा फंक्शन, ये हमसे क्या कहता है कि गेट ट्रेन फॉर द डे, हमें जो है दिन बताया जाएगा कि वेंसडे या थर्सडे है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें बताना है कि भाई कितनी ट्रेनें हैं, कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो उस दिन चलती हैं, ठीक है। तो रिजल्ट की वैल्यू अभी यहाँ पे मैंने खाली रखा हुआ है, इंग्लिश मुझे बताना है कितनी ट्रेन नंबर्स हैं जो उस दिन चलते हैं, फ्लैग की वैल्यू जीरो रखी है, मैंने कहा ट्रेन लिस्ट में एक एक एलिमेंट उठाने वाला हूँ, मतलब एक डिक्शनरी एक बार में उठेगी, मुझे चेक करना है कि क्या डे ऑफ रन मतलब जैसे वेंसडे, तो क्या वेंसडे है हमारा उस पर्टिकुलर डिक्शनरी के डे ऑफ रन में, डे ऑफ रन क्या की है, की इसके इसके सामने एक हमारा वैल्यू होता है, इसमें लिस्ट होगी मंडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। तो वहां पे हम चेक करेंगे क्या वेडनेसडे है मेरे उस डिक्शनरी के पर्टिकुलर डे ऑफ रन में, अगर ऐसा है तो फ्लैग की वैल्यू 1 का तो काउंट कर लूँ कि हाँ एक ऐसी ट्रेन मिल गई है जो उस दिन चलती है, और साथ ही साथ उस ट्रेन का जो नाम है, सॉरी उस ट्रेन का जो ट्रेन नंबर है उस नंबर को उठाकर रिजल्ट में जाकर रखो। तो फिर आते हैं यहाँ पे आखिर में कि फ्लैग इक्वल टू 1, मतलब फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब हमें कोई ना कोई एक ऐसी ट्रेन मिल जाएगी, हो सकता है एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, मगर जब फ्लैग वैल्यू 1 होगी कब, जब हमें कोई एक मिनिमम एक तो वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जब हमारे ट्रेन जो है पता चल जाएगा कि उस दिन चल रही, सिर्फ वेंसडे की बात हो रही है, तो वेंसडे में अगर कोई ट्रेन चली तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, तो उस ट्रेन के बारे में अगर मान लो फ्लैग की वैल्यू 1 है तो रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, उस ट्रेन का नंबर हम रिटर्न कर देंगे, अगर ऐसा नहीं तो क्या रिटर्न कर देंगे इनवैलिड डे, जैसे कि कोई ट्रेन संडे को नहीं चल रही है, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर देंगे इनवैलिड है, क्योंकि भाई संडे को कोई नहीं चल रही, तो इस तरह से हमारा गेट ट्रेन फॉर डे वाला फंक्शन हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे फेयर वाले में कि हम ये कैसे पता करेंगे कितना रुपया लगता है, ठीक है। तो
सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ आपको, एक मिनट ये देखिए। तो ट्रेन नंबर और पैसेंजर की डिक्शनरी जो है वो हमने यहाँ पे इनपुट भेज दी। पैसेंजर डिक्शनरी में क्या होगा, ये इनपुट होगा कि भाई कितने बंदे स्लीपर में जाएंगे, 5 बंदे, और कितने बंदे एसी में जाएंगे, 1 बंदा। तो ये चीज़ हमें पैसेंजर डिक्शनरी में मिल रही है। जो कॉस्ट है स्लीपर की जितनी कॉस्ट है और एसी वालों की जितनी कॉस्ट है उसको 0-0 कर दिया है अभी, ठीक है। हम अपनी ट्रेन में एक एक डिक्शनरी को उठाएंगे, चेक करेंगे क्या ट्रेन नंबर हमारे उस डिक्शनरी के पर्टिकुलर ट्रेन नंबर के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, स्लीपर वाले में क्या रख देंगे, उस डिक्शनरी में देखेंगे पहले स्लीपर वाले का रुपया कितना है ना, इनटू पैसेंजर टिकट में जो स्लीपर की वैल्यू है वो कितनी है। पैसेंजर टिकट में स्लीपर की वैल्यू क्या है, 5, मतलब 5 लोग की हमें चाहिए टिकट। तो 5 इसको रिप्लेस कर देंगे 5 से, 5 इंटू कितना उसका कितना किराया है, जैसे 300 है तो हो जाएगा 300 × 5, ठीक है। फिर यहाँ पे एसी वालों को चेक कर लिया, तो एसी में क्या कर देंगे, एसी वाले जितना ही फेयर है, एसी के जितना रुपया लगता है इनटू एसी में कितने पैसेंजर जा रहे हैं, स्लीपर और एसी में उसको उसके रुपया आ गए। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, स्लीपर वाले प्लस एसी वाले, और रिटर्न क्या कर देंगे, कॉस्ट। इस से हमारा ये वाला फंक्शन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उसे आसानी से देख के नोट कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आज के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18। अब है क्या कि ये जो जिस सीक्वेंस से हमारे इनपीडीक्यू में दिया गया, मैं उसी सीक्वेंस से आपको चीज़ बताता जा रहा हूँ।